फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। 2019-22 के सभी छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जी हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 2019-22 पार्ट टू का परीक्षा फॉर्म का डेट जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ एडमिशन का भी डेट जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में सारी जानकारी आपको लाइव प्रूफ देंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है वो सबसे बड़ी बिग अपडेट है। तो यार, चैनल पर न्यू जरूर तो ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके, क्योंकि सभी इन्फॉर्मेशन एक साथ पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि फेल हो गया जेपीयू का परीक्षा कैलेंडर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिर यह कैसे फेल हो गया, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, कुछ आपको इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन बताते हैं, उसके बाद फिर 2019-22 के स्टूडेंट, जितने भी 2019-22 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं ना, पूरा एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है, सारी जानकारी देने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, यहां पर जेपी विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर एग्जाम के आयोजन के पहले ही प्रावधान पर फेल हो गया। जिस परीक्षा कैलेंडर को शिक्षा मंत्री के हवाले किया गया, उसमें पीजी सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म जून में ही आयोजित भरने का जिक्र किया गया है। यार, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, जो 19-22 के स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पर देखो, 19-22 का सभी छात्र, यहाँ पर गोला में खींच दिया हूँ, यहाँ पर दिख रहा है 19-22 का परीक्षा पत्र अक्टूबर में 2022 में अक्टूबर में भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, परीक्षा पत्र अक्टूबर में भरा जाएगा, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि जो अक्टूबर में परीक्षा पत्र यानी परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, वही नवंबर में 2022 में परीक्षा लिए जाएंगे, ठीक है। यानी अक्टूबर में आप लोगों का परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और नवंबर में परीक्षा फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा, और नवंबर में जो है आप लोगों का परीक्षा जो है लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप देखिए, ये तो डेट आप लोगों का 2019-22 के स्टूडेंट्स का जारी हो चुका है कि परीक्षा फॉर्म कब भरा जाएगा और परीक्षा कब लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एक बात और सुन लीजिए सभी स्टूडेंट्स, अब एडमिशन की बात है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर, मार्कशीट जो है पार्ट 1 का अभी तक नहीं मिला है, कुछ को नहीं मिला है, कुछ को मिल गया, ऐसा मतलब कहना है स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो देखिए, जिन जिन छात्रों को मार्कशीट अगर नहीं मिला है, तो आप एक बार कॉलेज जाकर संपर्क कर लीजिए, यानी कॉलेज जाकर आप लोगों को संपर्क कर लेना है, क्योंकि कॉलेज में ही आप लोगों का जो है मार्कशीट कब आएगा, कब नहीं आएगा, कितनी तारीख को आएगा, सब इन्फॉर्मेशन कॉलेज में मिलेगा, ठीक है। अगर किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, तो अगर अभी किसी को भी नहीं मिला है मार्कशीट, तब तो इंतजार करिए, मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अब बात कर लेते हैं एडमिशन की, कि एडमिशन किन किन छात्रों का हुआ है, किन का नहीं हुआ है। अगर किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है, तो एडमिशन का डेट बहुत जल्द जारी होने वाला है, आप लोग इंतजार करें। अभी एडमिशन का डेट वैसे फाइनल डेट जो है कन्फर्म नहीं किया गया है, लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जुलाई में एडमिशन का कैलेंडर 2019-22 के छात्रों के लिए जारी कर दिया जाएगा जुलाई में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग अपने अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, चैनल पर न्यू जरे तो ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्राइब करके, कि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय वंदे मातरम।